आपकी बात से मैं अगर कहूं तो सहमत हूं मतलब वहां भी हमें असेंबली का इलेक्शन कराना है इसमें कोई दो राय नहीं है मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दिसंबर 23 से हमारा लीगली चुनाव कराने का रास्ता खुला है असेंबली का तो अभी तक तो मार्च ही है अभी तक तो बर्फ ही है अभी तक तो कुछ कराने का प्रश्न ही नहीं था यह पहला मौका था हमारे पास जबकि हम साथ करा सकते थे तो हम गए थे जेएनके में और जैसे मैंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि आप एक साथ करें सबने तो कहा मैं कोई उसमें और हम मिलने ही पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे तो उनकी बात सुनना हमारा मतलब काम भी था उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली मीटिंग्स की तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ऑफिसर्स ऑलमोस्ट जितने यूनानिमस पॉलिटिकल पार्टीज थी उतने ही यूनानिमस वो लोग थे कि एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए उसी बार में मशीन जाए उसी बार में डबल डबल खर्चा भी ना हो लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना Uh, के असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे हम तुरंत समय सीमा के अंदर आपकी बात से मैं अगर कहूं तो सहमत हूं मतलब वहां भी हमें असेंबली का इलेक्शन कराना है इसमें कोई दो राय नहीं है मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दिसंबर तेईस से हमारा लीगली चुनाव कराने का रास्ता खुला है असेंबली का तो अभी तक तो मार्च ही है अभी तक तो बर्फ ही है अभी तक तो कुछ कराने का प्रश्न ही नहीं था ये पहला मौका था हमारे पास जबकि हम साथ करा सकते थे तो हम गए थे जेएनके में और जैसे मैंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि आप एक साथ कराइए सबने तो कहा मैं कोई उसमें और हम मिलने ही पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे तो उनकी बात सुनना हमारा मतलब काम भी था उसके बाद जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली मीटिंग्स की तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ऑफिसर्स ऑलमोस्ट जितने यूनैनिमस पॉलिटिकल पार्टीज थी उतने ही यूनानिमस वो लोग थे कि एक साथ कराने में उन्हें वैसे इतनी दिक्कत नहीं है बट उन्हें इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल आवश्यकता होगी तो जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में उतनी एडिशनल फोर्सेज एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए दोबारा से इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी हम भी इसी इच्छा के थे कि एक ही बार में दोनों चुनाव हो जाए उसी बार में मशीन जाए उसी बार में डबल डबल खर्चा भी ना हो लेकिन उतनी उपलब्धता एक साथ इतने बड़े देश में हो पाना आ, के असेसमेंट के बाद संभव नहीं हो पाया बट इट डज नॉट मीन कि हम देर लगाएंगे हम तुरंत समय सीमा के अंदर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें